कारवां टीवी हर पल आपके साथ। रियाज अंसारी, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम पीलीभीत के धुंधरी शरीफ वहां पर हम मौजूद हैं। अगर धुंधरी शरीफ की बात करें तो धुंधरी शरीफ एक रूहानियत की एक नगरी है। यहां पर जो लोग आते हैं अपनी मुरादें पूरी पाकर जाते हैं, क्योंकि यहां पर तशरीफ फरमा है मकसूदुल औलिया। मकसूदुल औलिया का यहां पर आज सातवां उर्स पाक मनाया जा रहा है। अगर हम बात करें भीड़ की, पब्लिक की, तो पब्लिक यहाँ पर कोविड-19 को लेकर बहुत कम पब्लिक आई है। पुराना रिकॉर्ड देखा जाए तो पुराने रिकॉर्ड के मुताबिक यहाँ पर हजारों की तादाद में संख्या हुआ करती थी, लेकिन आज अगर बात करें, आज के उर्स की बात करें, तो आज यहाँ पर कुछ सैकड़ों में ही, मतलब 100 या 150 के करीब यहाँ पर पब्लिक होगी। बात की जाए अगर यहाँ पर हुजूर मकसूदुल औलिया की, मकसूदुल औलिया एक ऐसी शख्सियत है जो यहाँ पर तशरीफ फरमा है मकसूदुल औलिया की बारगाह में। जो भी इंसान, कोई भी शख्स यहाँ पर दुआ करता है तो यहाँ पर वो दुआ काबिले कबूल होती है। आइए हम बात करेंगे यहाँ पर, यहाँ के जो सज्जादा नशी हैं, बात करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर पब्लिक को रोका गया है और किस तरीके से कोविड-19 का पालन किया गया है। ना सैनिटाइजर की कोई एंट्री नहीं दी गई है। हम बात करेंगे आगे, बने रहिए हमारे साथ, हम दिखाते रहेंगे इस जो रूहानियत की नगरी है धुंधरी शरीफ, यहाँ की पल पल की अपडेट। बने रहे हमारे साथ, मैं हूँ रियाज गुड्डू अंसारी कारवां टीवी के लिए। हुजूर मकसूदुल औलिया का उर्से पाक है, उर्से मुबारक दिन है आज। सराफत मकसूदी जी जो सूफी हैं और आप काफ़ी मोहब्बत रखते हैं यहाँ से धुंधरी शरीफ से, जो हम जानेंगे आज किस तरीके का इन्होंने इंतजाम किया है। सराफत जी, आपका खैर मकदम है हमारे चैनल में, बताइए आज के उसके बारे में, बताइए क्या है आज का प्रोग्राम, किस तरीके का आज का प्रोग्राम? ऐसा है, हमारे हुजूर मकसूदुल औलिया के उर्स की कुल शरीफ की रस्म अदा की गई है और यहाँ पर हमारे मियाँ हुजूर ने जो सरकार के पालन को रखते हुए और पालन को करते हुए सैनिटाइजर का भी हर गेट पर, हर दरवाजे पर इस्तेमाल किया है और मास्क वगैरह भी सबको दिए हैं और हमारे हिंदुस्तान की पूरी सरकार का पूरी व्यवस्था बनाए हुए और यहाँ पर कम से कम जायरीन आए हैं और बाकी यकी जर्मन अपने घर पे ही रह के उर्से मकसूदुल औलिया मना रहे हैं और हमारे मियाँ हुजूर ने यहाँ पर कुछ ख़ास मेहमानों को ही बुला के और हुजूर मकसूदुल औलिया के सातवें सालाना उर्से पाक की कुल शरीफ की रस्म अदा की और हम सभी लोग जो आए हुए हैं सब मोहब्बत वाले लोग हैं और सब मोहब्बत ही करते हैं। आने को तो यहाँ पर तो जगह ही नहीं रहती है। भीड़ के बारे में कहिए, भीड़ किस तरीके की भीड़ रहती है और उसके टाइम में ऐसी भीड़ रहती है कि यहाँ से लेके अमरिया तक और इधर गहरा शरीफ तक बसों की लाइन लग जाती है और इधर फर्दिया मोड़ तक भी लाइन लग जाती है और धुंधरी शरीफ की हर गली में जगह नहीं रहती है, इतनी भीड़ रहती थी। आज की तारीख ये है, जो कोरोना का मामला चल रहा है, तो हमारे मियाँ हुजूर ने सरकार की परमिशन के मुताबिक 100 के करीब आदमी जो बुलाए हुए हैं, जो मुरीदैन अपने आए हुए हैं, उन्हीं के साथ ये कुल शरीफ की रस्म अदा की गई है। तो देखिए दोस्तों, ये थे हमारे सराफत मकसूदी जी जो ये सूफी हैं, यहाँ के खिदमतगार हैं, यहाँ के अपना गुलाम बताते हैं। बने रहिए हमारे साथ, हम दिखाते रहेंगे आपको पल पल की अपडेट। अभी कुछ देर में हम आपको दिखाएंगे कि आगे यहाँ पर क्या व्यवस्था की गई है और क्या प्रोग्राम होने वाला है। बने रहें हमारे साथ, बने रहेंगे आपके साथ। किस्मत के बदलने में, किस्मत के बदलने में क्यों देर मेरे ख्वाजा। किस्मत के बदलने में क्यों देर मेरे ख्वाजा। किस्मत के बदलने में क्यों देर मेरे ख्वाजा। किस्मत के बदलने में क्यों देर मेरे ख्वाजा।
कारवां टीवी हर पल आपके साथ।